नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ अजीत नायक। दोस्तों, चाय बागानों के सफ़र में आज हम लोग बात करेंगे रियाबाड़ी टी स्टेट को लेकर, जो कि हमारे डुअर्स की एक बेस्ट टी कंपनी है और यह 100 बेस्ट टी कंपनी के अंडर भी आती है। तो चलिए फिर रियाबाड़ी टी स्टेट को समझते हैं और जानते हैं इसके विभिन्न जानकारियों को। शुरुआती रूप में देखा जाए तो इस टी गार्डन की स्थापना 5 मार्च 1985 में हुई और यह टी कंपनी लगभग 37 साल पुरानी है। वर्तमान में कंपनी के संचालन सक्रिय है। वर्तमान बोर्ड के सदस्य और डायरेक्टर अशोक बंसल, राज बंसल, दीपक बंसल, सिद्धार्थ बंसल और राहुल बंसल हैं। मुख्य रूप से रियाबाड़ी टी स्टेट पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के बनारट ब्लॉक के अंतर्गत स्थित है और यह भूटान बॉर्डर के समीप पड़ता है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर रियाबाड़ी टी स्टेट को देखा जाए तो लगभग यह 527.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 4,448 है, जिनमें मेल 2,554 और फीमेल 2,194 है। यहाँ के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 52.95% लोग पढ़े लिखे हैं। कंपनी की तरफ से वर्करों के रहने के लिए घर मुहैया करा दी गई है, जिनमें घरों की संख्या लगभग 923 है। इस कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 25 अगस्त 2017 को हुई थी। कंपनी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के अनुसार 31 मार्च 2017 को अपनी बैलेंस शीट को अंतिम बार अपडेट किया था। यहां CTC के अंतर्गत मुख्य रूप से काली चाय का उत्पादन किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के चाय के क्वालिटी हैं, जैसे BP, SM, PD, PD Dust, OF इत्यादि प्रोडक्ट। इस चाय बगान में मुख्य रूप से यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं एवं यहाँ के वर्करों के सर सुविधा के लिए प्रत्येक स्तर पर ट्रेड यूनियंस अलग अलग तरीके से काम करती है, जिनमें TMC, BJP, कांग्रेस, PPM इत्यादि प्रमुख दल शामिल हैं। तो दोस्तों, यही थे रियाबाड़ी टी स्टेट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगे, और अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को बेहतरीन जानकारी हो अपने डुअर्स को लेकर और विभिन्न चाय बागानों के जो भी जानकारी बातें हैं उन सभी तक भी पहुँच पाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।